नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आरके यादव, एडब्ल्यूपीएल फाइटर। आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे एडब्ल्यूपीएल के एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है थंडर ब्लास्ट रस। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे थंडर ब्लास्ट रस क्या होता है, इसमें क्या क्या कंपोजिशन डाले गए हैं, थंडर ब्लास्ट रस के क्या क्या फायदे होते हैं, थंडर ब्लास्ट रस को प्रयोग में लेने की विधि क्या होती है और थंडर ब्लास्ट रस का सेवन करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में विस्तार से मिलेगी, इसलिए आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा थंडर ब्लास्ट रस क्या होता है। थंडर ब्लास्ट रस एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया गया एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। इसका इस्तेमाल शरीर में स्टेमिना बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह शरीर में खून को पतला करता है तथा ब्लॉकेज व क्लॉट्स को हटाता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन लेवल ठीक रहता है। दोस्तों, एडब्ल्यूपीएल ने थंडर ब्लास्ट रस को किस किस कंपोजिशन से मिलाकर तैयार किया है? साथियों, एडब्ल्यूपीएल ने थंडर ब्लास्ट रस को 18 प्रकार के कंपोजिशन मिलाकर तैयार किया है, जो कि इस प्रकार से है। नंबर एक, अलवेरा रस। नंबर दो, अश्वगंधा। नंबर तीन, अकरकरा। नंबर चार, विदारी कंद एक्सट्रैक्ट। नंबर पांच, सफेद मूसली एक्सट्रैक्ट। नंबर छह, घोकरू। नंबर सात, शतावरी एक्सट्रैक्ट। नंबर आठ, कोंच के बीज एक्सट्रैक्ट। नंबर नौ, जायफल एक्सट्रैक्ट। नंबर दस, शुद्ध सल्लाजीत एक्सट्रैक्ट। नंबर ग्यारह, जिंजर। नंबर बारह, मोती बसम। नंबर तेरह, वांग बसम। नंबर चौदह, लोहो बसम। नंबर पंद्रह, लौंग। नंबर सोलह, दालचीनी। नंबर सत्रह, ग्राउंड पत्र। नंबर अठारह, केसर। तो साथियों, एडब्ल्यूपीएल ने इन 18 कंपोजिशन को मिलाकर एक बेहतरीन रस तैयार किया है, जिसका नाम है थंडर ब्लास्ट रस। दोस्तों, अभी हम जानेंगे थंडर ब्लास्ट रस के क्या क्या फायदे होते हैं। नंबर एक, शारीरिक कमजोरी को दूर करता है। आज का मनुष्य कई कारणों से शारीरिक रूप से कमजोर होता है, क्योंकि पहले के समय में लोग आयुर्वेद का प्रयोग करते थे और देसी खान पान का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज के समय लोगों का खान पान इतना बदल गया है, जिसकी वजह से लोग शारीरिक रूप से कमजोर होने लगे हैं। थंडर ब्लास्ट रस शारीरिक कमजोरी को दूर करने में लाभदायक होता है। नंबर दो, मानसिक कमजोरी को दूर करता है। आज के समय में अधिकांश कार्य करने के लिए शारीरिक क्षमता से अधिक मानसिक क्षमता की आवश्यकता होती है, लेकिन देखने में आया है कि जैसे जैसे तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे वैसे इंसान की मानसिक क्षमता भी प्रभावित हो रही है। इस मानसिक कमजोरी को दूर करने के लिए आप थंडर ब्लास्ट रस का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर तीन, नसों की ब्लॉकेज को खोलता है। यह बीमारी कई लोगों में पाई जा रही है, लेकिन अब इंसानों के हर वर्ग में यह बीमारी पाई जा रही है। यह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बीमारी हो सकती है। नसों में रुकावट जानलेवा हो सकती है, इसलिए नसों की ब्लॉकेज को खोलने के लिए आप थंडर ब्लास्ट रस का सेवन करें। नंबर चार, यौन समस्या को दूर करता है। आज के समय में ज्यादातर लोगों में यौन कमजोरी पाई जाती है, जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। अगर आप भी सेक्सुअल लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको थंडर ब्लास्ट रस का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर पांच, रक्त को पतला करने में लाभदायक होता है। देखने में आया है कि लोगों का खून गाढ़ा होने लगा है, जिससे उनमें हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है।
आपको अपने स्वास्थ्य का खुद ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। इस खतरे से निपटने के लिए थंडर ब्लास्ट रस एक बेहतरीन विकल्प है। नंबर 6, तनाव को कम करता है। आप थंडर ब्लास्ट रस का इस्तेमाल तनाव की स्थिति में भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सभी लोग किसी ना किसी बात को लेकर परेशान रहते हैं। इस वजह से वो तनाव में आ जाते हैं, जो आपकी शांति को छीन लेता है। इससे छुटकारा पाने के लिए आप SNPS वेलनेस का थंडर ब्लास्ट रस इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 7, शरीर में ऊर्जा को बढ़ाता है। थंडर ब्लास्ट रस एनर्जी टॉनिक की तरह काम करता है, जो हमारे शरीर को आवश्यकता के अनुसार शक्ति प्रदान करता है। किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि आप थकान महसूस करते हैं या ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं तो आपको थंडर ब्लास्ट रस का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, अभी हम जानेंगे थंडर ब्लास्ट रस को प्रयोग में लेने की विधि क्या है। थंडर ब्लास्ट रस का सेवन करते समय बोतल को खोलने से पहले अच्छी तरह हिला ले। नंबर 2, इसका सेवन आपको दिन में 2 बार करना है, सुबह खाली पेट और रात को खाना खाने के बाद। नंबर 3, एक बार में थंडर ब्लास्ट रस का 20 से 25 ml लें। नंबर 4, थंडर ब्लास्ट रस की पूरी बोतल को 1 महीने के अंदर खत्म करें, यानी कि 1 महीने के अंदर 1 बोतल खत्म करें। दोस्तों, अगर आप थंडर ब्लास्ट रस का सेवन करते हैं तो इसके साथ आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी है, जो कि इस प्रकार से है। नंबर 1, बोतल को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह हिला लें। नंबर 2, 15 से 20 ml जवानों के लिए दिन में 2 बार सुबह और शाम या फिर चिकित्सक की निर्देशानुसार लें। नंबर 3, ढक्कन को खुलने के बाद बोतल को 1 महीने के अंदर प्रयोग करें। नंबर 4, अगर बोतल लीक है तो उसे ना खरीदें। दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इतना बेहतरीन रस, थंडर ब्लास्ट रस आपको मिलेगा कहां से। साथियों, अगर आप थंडर ब्लास्ट रस अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिए हुए हैं उनके ऊपर हमें कॉल करें। हमारे सभी प्रोडक्ट की होम डिलीवरी उपलब्ध है। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ऑन कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।